रायगढ़ में भी कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। दरअसल अब शहर के बीच से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में पूरा शहर इस खतरे से दहशत में है, क्योंकि शहर के कई इलाकों को पुलिस ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। ताजा मामला आदर्श नगर का है, जहां हरियाणा से आई एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद आदर्श नगर को सील कर दिया गया है। रायगढ़ में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। अब शहर के बीच से भी पॉजिटिव मरीज मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके लिए पूरा शहर काफी दहशत में है। शहर के कई इलाकों को पुलिस ने सील एवं कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। ताजा मामला बीती रात आदर्श नगर का है। वहां भी हरियाणा से आई एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर के आदर्श नगर को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये महिला दिल्ली से फ्लाइट के जरिए रायपुर और फिर वहां से रायगढ़ आई थी। 23 जून को शहर आने के बाद उसने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसका रिपोर्ट आज पॉजिटिव आ गया है। हालांकि प्रशासन के निर्देश पर वह होम क्वारंटाइन में थी, लेकिन अब उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग शुरू हो गया है। उसके संपर्क में आए लोगों का भी कोरोना जांच किया जाएगा। फिलहाल महिला को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इस खबर के सामने आते ही पूरे आदर्श नगर मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। लोग काफी दहशत में हैं। पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कार्य योजना शुरू कर दी है। आदर्श नगर चमड़ा गोदाम के इलाके को पूरी तरह से जूट मिल पुलिस ने सील कर दिया है और आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है, एवं इसका उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात पुलिस कह रही है। और साथ ही साथ लोगों से अपील भी कर रही है कि बगैर आवश्यक कार्य के अपने घरों से ना निकले, जिससे कि संक्रमण का खतरा और ना बढ़े। शहर में अभी कई सारे कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। रिसेंट में आदर्श नगर जूट मिल में भी एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, क्योंकि उसमें एक महिला का कोविड में पॉजिटिव आया था। उसके बाद उस इलाके को सील किया गया है, साथ साथ वहाँ से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपल भी लिया जा रहा है। जो भी कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, उसमें हम लोग निश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आना जाना ना करे, और उस कंटेनमेंट जोन के भी व्यक्ति जो बाहर ना निकले, उनको जो भी ज़रूरत के सामान है वो होम डिलीवरी द्वारा उनको दिया जाता है। उसके लिए वहाँ नंबर संबंधित के नंबर भी पेश किए जाते हैं। इस तरह के कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोविड का जो संक्रमण है वो फैल ना सके। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।